नंबर एक, यदि शरीर पर कहीं पर कांटा चुभ जाए और निकल ना रहा हो तो वहां हींग का घोल लगाने से कांटा अपने आप ऊपर आ जाएगा। नंबर दो, अगर आपको भी सांस फूलने की समस्या है तो भुनी हुई चुकंदर पर नमक लगाकर इसका सेवन करें। इसके खाने से सांस फूलने की समस्या ख़त्म हो जाएगी। नंबर तीन, हाथों से कपड़े धोने से दिल मजबूत होता है और हाथ की मांसपेशियां मजबूत होती है, इसलिए कपड़े हाथ से धोने चाहिए। नंबर चार, यदि आप मांस सिर्फ प्रोटीन के लिए खाते हैं तो मूंग आपके लिए एक बेहतर सुझाव हो सकता है। मूंग में मांस से कई गुना प्रोटीन पाया जाता है। नंबर पाँच, खड़े होकर पानी पीने वालों का घुटनों का इलाज दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, इसलिए कहा जाता है कि पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए। नंबर छः, जो इंसान सबसे ज़्यादा सोता है, मानव विज्ञान कहता है कि ये वे इंसान दुखी है या फिर तनाव में है। नंबर सात, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने या फिर हाथों से बहुत ज़्यादा पसीना आए तो शीशम की 10 से 12 पत्तियों को पीसकर शरबत बनाकर पिए। नंबर आठ, नहाते समय पेशाब आना किडनी कमज़ोर होने की निशानी है। नंबर नौ, रोटी पर घी लगाकर खाने से सबसे पहले तो शरीर को मजबूती मिलती है। घी और रोटी के कॉम्बिनेशन को कार्बोहाइड्रेट बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है और घी शरीर को मजबूत बनाता है। नंबर 10, घी को रोटी में लगाकर इसका नियमित सेवन करने से हड्डियों को भी मजबूती मिलती है। घी के सेवन से हड्डी की अकड़न ख़त्म होती है और हड्डियाँ मजबूत बनती है। नंबर 11, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन भी आप दूध में 2 टुकड़े दालचीनी, 2 इलायची, 2 लौंग, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर उबालकर पीते हैं तो शरीर का दर्द ठीक होगा और पूरा शरीर सुंदर और साफ हो जाएगा। नंबर 12, सिर दर्द होने पर तवे पर लौंग, भुने हुई लौंग को सूंघने से सिर दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। नंबर 13, खुजली होने पर फिटकरी के पानी में खुजली की जगह धोकर साफ करें और उस पर कपूर को नारियल तेल में मिलाकर लाभ लगाएं, इससे लाभ होगा। नंबर 14, सरसों के तेल में थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिलाकर हल्का गर्म कर लें, फिर इस पेस्ट को दांतों पर लगाएं। एंटीसेप्टिक गुण वाली हल्दी आपके दांतों के दर्द को दूर करती है। नंबर 15, मुंह से प्याज और लहसुन की बदबू दूर करने के लिए ग्रीन टी पीना सबसे अच्छा उपाय है। नंबर 16, अगर आपका शरीर दुबला पतला है तो नारियल का सेवन करें, इससे शरीर मोटा होता है। रोज़ाना दिन में 2 बार 50-50 ग्राम। नंबर 17, पुदीने की चाय में 2 चुटकी नमक मिलाकर खाने से खांसी में आराम मिलता है। नंबर 18, बढ़ती उम्र के साथ नज़र आने लगी है झुर्रियाँ तो इन 10 उपाय में से इससे निजात पाने के लिए धूल मिट्टी और प्रदूषण के साथ ही बदलती जीवन शैली में न सिर्फ हमारी सेहत बल्कि हमारी त्वचा को भी ख़राब कर रही है। इन दिनों में कई सारे लोग चेहरे की झुर्रियों से परेशान हैं, इसकी वजह से कई बार हमारी खूबसूरती भी कम होने लगती है। ऐसे में झुर्रियों से निजात पाने के लिए आप कुछ ऐसे में घरेलू उपाय अपना सकते हैं तो आपको लंबे समय तक जवाब बनाए रखेगा। नंबर 19, हफ्ते में 1 बार नारियल पानी ज़रूर पिए, इससे रंग गोरा होता है। नंबर 20, ब्रश करने के बाद लौंग के पानी से कुल्ला करने के लिए पहले पानी उबालना है और उसमें लौंग को कूटकर मिलाना है। इसके बाद इस पानी को उबलने दे और इसमें थोड़ा सा नमक मिला दे। अब गैस ऑफ कर इस पानी को गिलास में रखकर थोड़ा ठंडा होने दे। अब ब्रश या इसी पानी से कुल्ला करें। एंटीबैक्टीरियल से भरपूर है जो मुंह से जमा बैक्टीरियल को मारने में मदद करता है। इसके अलावा जीभ साफ करने, इसके अलावा साथ ओरल इन्फेक्शन कम करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, ये दांतों के दर्द और सड़न की समस्याओं में कमी लाता है और दांतों में जमी पीली परत साफ करता है। इस पानी में लौंग भी है, सांसों की दुर्गंध को दूर करने में मदद करता है। नंबर 21, चेहरे पर स्टीम लेने से मुहासे नहीं होते,
बंद प्रोस खुल जाते हैं। आज की जानकारी बस इतना ही था। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये एक सामान्य जानकारी थी। टिप्स आप अपने डॉक्टर की सलाह लेकर नियम अपना सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट।